कितना अद्भुत दृश्य है परमात्मा का आत्माओं से मिलन, जिसका नाम शिव है, जो निराकार है, अजन्मा है, जिसको इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, वो इस धरा पर अवतरित होकर सभी को सत्य ज्ञान दे रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं और उनको भक्ति का फल दे रहे हैं जिन्होंने जन्म जन्म उसकी भक्ति की, उस पर दूध चढ़ाए, वो अब उनके ऊपर ज्ञान अमृत की बरसात कर रहे हैं। आइए आप सब भी उस परम पिता से मिलन मनाएं। ये मिलन जन्म जन्म के दुखों को नष्ट कर देता है। इस मिलन में इतना अद्भुत आनंद है कि आत्मा अनेक जन्मों की प्यास बुझा लेती है। ये मिलन अति कल्याणकारी है। जिन्होंने इस मिलन का रसास्वादन किया है उनका चित्त शांति के सागर में लहराने लगा है। भगवान आकर इस संसार को बदलने का दिव्य कार्य कर रहे हैं और उनके सहयोगी बनने का आधार है स्वयं के जीवन को श्रेष्ठ बना लेना, पवित्र बना लेना, देवत्व से भरपूर कर लेना। वो आ गए हैं सबके अंदर छुपे हुए देवत्व को जागृत करने के लिए, याद दिला रहे हैं, हे बच्चे, तुम देव कुल की महान आत्मा हो, तुम भारतवासी बहुत महान हो, मेरे बहुत समीप हो, आ जाओ फिर से, मुझसे अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर लो। वो निराकार शिव इस कलयुग की घोर रात्रि में आकर सभी के चित्त को प्रकाशित कर देंगे। आ गए हैं वे जिन्हें हम युगों से बुलाते आए हैं। हम पुकारते थे, हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ, हमारे दुख हरो। दुखी होकर सभी उसको पुकारते रहते हैं। कोई उसे पाप कटेश्वर कहता है, कोई उसे बिगड़ी बनाने वाला, कोई उसे झोली भरने वाला। अब हम सब की पुकार सुनकर वे अपना दिव्य कर्तव्य करने आ गए हैं और झोलियां भर रहे हैं ज्ञान रत्नों से, सद्बुद्धि प्रदान कर रहे हैं सभी को, पुनः संपूर्णता की ओर ले चल रहे हैं। आप सभी का हम आह्वान करते हैं, आओ उनसे मिलकर सत्य ज्ञान प्राप्त करके अपने जन्म जन्म के दुखों से मुक्त हो जाओ। वे आ गए हैं पावन बनाने। हम ये तो बुलाते थे कि पतित पावन आओ, पर हमें ये तो नहीं पता था कि वे आकर कैसे हम पतित आत्माओं को पावन बनाएंगे। अब वे राजयोग सिखा रहे हैं। ये भारत का प्राचीन राजयोग है, इससे हम आत्माएं पावन बन रही हैं, हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, चित्त की दूषित वृत्तियां शुद्ध हो रही हैं, मन निर्मल हो रहा है। उनका ये प्यार भरा मिलन हमें उस प्यार के सागर के प्यार की अनुभूति दे रहा है। उसकी शांति की तरंगें हमारे चित्त को शांत करती जा रही हैं, हमारी भावनाएं बदल रही हैं। एक दूसरे के प्रति जो वैर भाव, नफरत, घृणा, तेरा मेरा स्वार्थ था, वो समाप्त होता जा रहा है और चित्त को सच्चा चैन मिल रहा है।
वे स्वयं आकर सिखाते हैं मेरे से अपना बुद्धि योग कैसे लगाओ। इसको राजयोग कहते हैं और अनेक आत्माएं उनसे राजयोग सीखकर योगयुक्त होती जा रही हैं। उन्होंने स्वयं आकर ये राजपथ का मार्ग दिखाया है, राजयोगी बनाया है, राज ऋषि बनाया है। इससे हम सभी परमात्मा से शक्तियां प्राप्त कर रहे हैं। इन शक्तियों से विकर्म नष्ट हो रहे हैं, विकार क्षीण होते जा रहे हैं, चित्त निर्मल होता जा रहा है, मनोबल बढ़ रहा है, मन की शक्तियां बढ़ रही हैं, पॉजिटिविटी बढ़ रही है, चिंतन और विचार महान होते जा रहे हैं। इससे समाप्त हो रही हैं आजकल की अनेक समस्याएं, ज्यादा सोचने की आदत, बढ़ते हुए मानसिक रोग, घरों में तीव्र गति से उग्र होती हुई समस्याएं, संबंधों में बढ़ती हुई कड़वाहट, स्वार्थ, इन सब पर विजय हो रही है ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा। तो भगवान आकर जीवन जीना सिखा रहे हैं, घर घर को मंदिर बना रहे हैं। आइए उनसे राजयोग सीखकर उनसे जुड़ जाइए, तो आप में शक्तियां आ जाएंगी, आपका मनोबल बढ़ जाएगा, क्रोध शांत हो जाएगा, चित्त निर्मल और नम्र हो जाएगा और ये जीवन की यात्रा आनंदकारी, सुखों से भरी हुई, सफलता से भरी हुई हो जाएगी। भगवान के लिए हम महिमा गाते हैं, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बंधुश्च सखा। सचमुच वो हमारा सच्चा मात पिता, सच्चा बंधु और सच्चा खुदा दोस्त है। जब वे आते हैं तो इन सब संबंधों की अनुभूति कराते हैं। अब वो भारत भूमि पर आए हैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा अपना दिव्य कार्य कर रहे हैं और सर्व संबंधों का अनुभव करा रहे हैं। सब जानते हैं कलयुग के इस कलिकाल में सांसारिक संबंधों का सुख तो रहा ही नहीं है, सारे संबंधों में स्वार्थ, तेरा मेरा, कटुता, अहम, ये सब समा गया है। सच्चे प्यार की तो पूरी तरह अविद्या ही हो गई है। भगवान आकर पुनः सभी आत्माओं को, रूहों को सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, सच्चा प्यार दे रहे हैं, अपनापन दे रहे हैं। भगवान से अपनापन पाकर आत्माएं प्यार में तृप्त हो गई, मगन हो गई हैं। भक्ति में तो केवल गाते थे, हे भगवान हम तुम्हारे, तुम हमारे हो, पर उसने आकर सच्चे अर्थों में अनुभव करा दिया, मैं तुम्हारा हूं, अर्थात भगवान हमारा है। और सोचो भगवान का किसी को प्यार मिले, भगवान की किसी को पालना मिले, उसकी खुशी का तो पारावार ही नहीं होगा। तो आइए आप सब भी ईश्वर के परिवार के भाती बन जाइए, उसे अपना मात पिता बंधु सखा बना लीजिए, उससे सच्ची मित्रता जोड़ लीजिए, मन उसको अर्पण कर दीजिए, उसके हो जाइए। आप कहेंगे मेरा सब कुछ तेरा, वो भी कहेगा बच्चे मेरा सब कुछ तेरा। उसकी केयर में हम पलने लगेंगे, उसकी सुरक्षा में हम आ जाएंगे, तब हमारा जीवन निश्चिंत निर्भीक हो जाएगा। तो आइए भगवान प्यार बांट रहा है, अपना पन दे रहा है, भारत भूमि में आ गया है भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। आप भी आओ,
और उनसे अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर लो।